दोस्तों पेन टूल की मदद से हम लोग बहुत सारे करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेसन में भी देखा और अभी भी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों फूल तो आप सब लोगों को पसंद होंगे, तो चलें आज मैं आप लोगों को पेन टूल की मदद से फ्लावर बनाना सिखाता हूँ। चलें चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए फ्लावर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो चलें पेन टूल की मदद से इसको जो है वो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो दोस्तों ये इसका जो सेंट्रल एरिया है इसको तो हम बड़े आराम से एलिप्स टूल की मदद से इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये जो शेप है ये काफ़ी एक्यूरेट और एग्जैक्ट सी है, तो लिहाजा इसको हम बड़ी आसानी के साथ एलिप्स टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई शेप ऐसी हो जो कि एक्यूरेट ना हो, एग्जैक्ट ना हो, यानी कि थोड़ी सी ज़रा उसके एजेस जो हैं या उसके जो एरियाज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के हों, तो फिर आप उसको पेन टूल की मदद से ड्रॉ करें। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लावर है और ये नीचे हमारे पास स्टेम है। तो चलें पहले इसकी जो थोड़ा सा स्टेम का पोर्शन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए इस वक्त जो है सयान कलर का स्ट्रोक ले रखा है और फिल को मैंने इस वक्त आप लोगों के लिए ज़ीरो किया हुआ है, ताकि जब आप लोग ड्राइंग करें तो आप लोगों को नज़र आए कि इस वक्त क्या ड्रा हो रहा है और कैसे ड्रा हो रहा है और किधर ड्रा हो रहा है। जी तो ये जो है मैं ड्रा कर रहा हूँ इसके स्टेम वाले एरिया को। ये लें जी, ये इसका जो स्टेम वाला एरिया था ये कंप्लीट हो गया। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इसका, ये जो पेटल्स हैं इनको हम ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये पेटल्स के अंदर एक इनर है और एक आउटर एरिया है, तो पहले मैं इनर एरिया को ड्रॉ करना शुरू करूंगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज़ूम कर रखा है ताकि मैं आसानी के साथ देख सकूं कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं और उसके अंदर मैं कर्व्स को ज़रा बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकूं। तो ये फर्स्ट मैं ये जो इनर वाला पोर्शन है पेटल्स का ये वाला ड्रॉ करूँगा और फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि हम उसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं या जो बाहर वाला पोर्शन है वो हमें अगेन ड्रॉ करना पड़ता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये जो इसका इनसाइड पोर्शन है पेटल्स का ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों ये जो फ्लावर का इमेज है ये मैंने आपके आसानी के लिए ये मैंने लॉक करके रखा हुआ है ताकि ये मेरा ड्रॉ करते हुए इमेज हिले ना और आप लोगों को किसी किस्म के जो है वो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये देखें पेटल्स के पाथ को फॉलो करते हुए हम जो है वो इसकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो थोड़ी सी राउंडनेस लेके आए। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा राउंड लेके फिर हम यहाँ पे लाके इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लें जी, ये हमारा जो पेटल्स का इनर पोर्शन है वो ड्रॉ हो चुका है। तो चलें अब ये रह गया हमारा आउटर पोर्शन, इसको ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद अपने इस ड्राइंग के अंदर जो है वो कलर फिल करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये हमारी पिछली ड्राइंग और आउटर पोर्शन है पेटल्स का और इनर पोर्शन है ये करीब करीब आ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहना होगा, थोड़ा सा केयरफुल रह के यहाँ पे आपको पॉइंट जो है वो क्रिएट करना होगा ताकि आपकी जो पिछला पाथ है जो आपने इनर पेटल्स के लिए ड्रॉ किया है और ये जो आपका बाहर वाला पाथ है ये आपका बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि कुछ पोर्शंस के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है कि पाथ के ऊपर पाथ आ सकता है, तो उसे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अगर ऐसा होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए अपने पाथ को जो है वो कंप्लीट करना है और कोशिश करनी है कि आपके जो पाथ्स हैं वो जितने ज़्यादा एक्यूरेट रह सकते हैं वो रहें। अब ये जो स्टेम वाला एरिया है इसको हम बाद में ऊपर ले आएंगे, इसलिए हमारे लिए बिल्कुल भी ये घबराने की बात नहीं है। इसको हम जो है पहले अपने ये जो आउटर पेटल्स वाला एरिया है इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये बेसिकली अंदर इन्होंने उसकी कुछ शेडिंग सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं दी हुई है
और या फिर कुछ ऐसे फूल भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर लेयर बाय लेयर पैटर्न्स होती हैं, उनके अंदर कलर्स की दो लेयर्स होती हैं। तो ये देखें जी, हमारी जो ड्राइंग है ये कंप्लीट है। अब हम इसको जो है वो कलर देते हैं। हमारे आई ड्रॉपर टूल का हमें पता है, आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम इसको कलर देते जाएंगे और चीज़ों को हम ऊपर नीचे जो है वो अरेंज करते जाएंगे, एंड देन वी विल बी गुड टू गो। ये देखें, अब ये हमारा जो नीचे वाली शेप है ये हमने ऊपर लेके आनी है और इसको हम वापस यहाँ पे इस तरह से सेट करते हैं। अब इसी तरह से ये जो इनर वाला पेटल्स का एरिया है इसको कलर दिया, और ये जो आउटर वाला एरिया है इसको कलर दिया। अब इसमें भी वही मसला आया, जो इनर वाली ड्राइंग है उसको हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा और ये हम अरेंज की मदद से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये अब आप देखें कि ये जो आपकी ड्राइंग है इसको हम थोड़ा सा करते हैं सेंड टू बैक, बल्कि हम ये जो दो, ये देखें ये जो हमारे सेंट्रल दो जो पोर्शंस हैं वो पीछे चले गए, इन दोनों को हम जो है वो बिल्कुल ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं और फिर बीच में हम इसको वापस यहाँ पे रखते हैं। और ये देखें जी, ये हमने कलर दे दिया स्टेम को और ये हमारा जो फ्लावर है ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो आउटर एरिया है इसका भी हम कलर यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हमने दे दिया, एंड हियर वी आर डन। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने पेन टूल की मदद से कितना खूबसूरत फ्लावर जो है वो कितनी आसानी के साथ क्रिएट कर लिया है। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है, इंक्लूडिंग दिस वन, के हम लोग पेन टूल की मदद से कितनी आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ कार्टून करेक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, और जैसे मैंने आपको कार्टून करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स ट्रेस करना सिखाए हैं, इसी तरह से आप कोई भी चीज़ जो भी आपको अच्छी लगे वो आप बड़े आसानी के साथ पेन टूल की मदद से इलस्ट्रेटर में ट्रेस कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेसिंग है इसका एक और भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है, एक तो आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस होगी ही होगी, उसके अलावा पेन टूल की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी डिफरेंट किस्म की शेप्स और डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को, कैरेक्टर्स को क्रिएट करने की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और आपको बड़ी आसानी से ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो इलस्ट्रेटर में आप पेन टूल की मदद से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेन टूल का हमने वर्किंग की है और पेन टूल के ऊपर जो हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की हैं, आपको इनको देख के मज़ा आया होगा, और अब आप लोगों ने पेन टूल की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि इलस्ट्रेटर में आप पेन टूल की मदद से बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है वो ट्रेस भी कर सकें और ख़ुद से क्रिएट भी कर सकें।